जब हम इन कंपाउंड्स इनकी बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, दिस इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स. देखो, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिस तरीके से हम करेंगे, मेरा एक बहुत ही रटा रटाया एक स्टैंडर्ड तरीका है, मैं उसी तरीके से चलता हूं. वो तरीका ये है कि जब भी हम किसी कंपाउंड के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. जब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो प्रिपरेशन के अंदर भी आई विल गो इन अ वेरी स्ट्रेट सीक्वेंस. मैं रैंडम हाफजर्ड नहीं कराऊंगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कराऊंगा. जैसे कि किसी भी कंपाउंड की, चाहे हम अल्काइल हाइड की बात करें, चाहे अल्कोहल की बात करें, चाहे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, किसी की भी बात करते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर विद, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन. वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात हम करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस. इनऑर्गेनिक मेथड से हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, वी विल स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक मेथड्स. ऑर्गेनिक मेथड्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स. किसी की भी बात होगी, एल्केन्स की बात करेंगे, फिर एल्कीन्स, देन एल्काइन, देन एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर आ जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसिड डेरिवेटिव, एंड द लास्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. अब कई जगह ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपाउंड के इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. अब इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंगल स्टेप रिएक्शन ना भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो दोज आर गोइंग टू बी डन द लास्ट. अब एक चीज देखो, जब भी हम कभी प्रिपरेशन की बात करते तो ये प्रिपरेशन का एक स्पेसिफिक मतलब होता है. प्रिपरेशन का मतलब ये होता है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, यहां हमारे पास एक एरो है, इस एरो के हम रिएजेंट लिखते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर रिएजेंट्स डाले, कुछ कंडीशंस लगाई, हीट किया, कूल किया, रिफ्लक्स किया, जो करना है वो किया, और उसके बाद हमें मिल जाता है प्रोडक्ट. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी वांट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिडिफिकेशन को एक स्टेप नहीं माना जाता. मतलब आपके पास कंपाउंड मिला, नाउ यू ट्रीटेड विद एन एसिड टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट, वो स्टेप नहीं माना जाता, तो वो अंडरस्टूड है, तो इसलिए उसको स्टेप नहीं मानते. अगर आपको इस ए से पी इस तरीके से मिल रहा है तो इसे बोला जाएगा इट इज द प्रिपरेशन ऑफ पी फ्रॉम ए. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ए से बी बना के फिर पी बनाना पड़ा तो इट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम बी नॉट ए. अगर आपको एक कंटेनर में से एक सब्सटेंस को निकाल के दूसरे कंटेनर में डाल के फिर रिएक्शन करना पड़ा तो इट बिकम्स टू स्टेप एंड दैट इज नॉट द प्रिपरेशन. इज इट क्लियर? तो प्रिपरेशन का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया. ओके, तो अब हम बात करेंगे द प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स. क्लियर? तो सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेस. हमारे पास एक कंपाउंड है Be2C, दूसरा कंपाउंड है Al4C3. अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर वाटर डाल दें, सो मेक द प्रोडक्ट, जल्दी करो.
बताओ भाई, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दिस इज बेरिलियम कार्बाइड एंड दिस इज एल्युमिनियम कार्बाइड। यू नो हाउ टू डू द हाइड्रोलिसिस, डू इट। क्या कर रहे हो? वो तो ठीक है, बट आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी ना। यहां पर अगर हम इसको 4H2O के साथ रिएक्ट कर देते हैं, यहां पे 12H2O के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो यहां पे हमें ट्वाइस ऑफ BeOH ट्वाइस प्लस CH4 मिल जाएगा। यहां पे हमें इसके अंदर 4AlOH थ्राइस प्लस 3CH4 मिल जाएगा। दीज टू कंपाउंड प्रोड्यूस मिथेन एंड दैट इज वाई दीज टू कंपाउंड आर कॉल्ड मिथनाइड्स। दिस इज बेरिलियम कार्बाइड इज कॉल्ड बेरिलियम मिथेनाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड इज कॉल्ड एल्यूमिनियम मिथेनाइड। सो दिस कुड बी कंसिडर्ड द इनऑर्गेनिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेन। ओके, हैविंग टॉक्ड अबाउट दैट, नाउ लेट अस गेट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक मेथड्स। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्केन्स। पानी एक्सेस में, पानी एक्सेस में तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाएगा। यू मे कॉल इट हाइड्रेटेड ऑक्साइड, यू मे कॉल इट हाइड्रोक्साइड, एंड इवन इफ यू राइट इट ऑक्साइड तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनीथिंग यू मे राइट, कोई फर्क नहीं है। जब हम अल्केन से अल्केन की प्रिपरेशन की बात करते हैं, नाउ हमारे पास ये इनऑर्गेनिक मेथड था, क्योंकि यहां पे जो कंपाउंड है कार्बाइड्स, कार्बाइड्स आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, द प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स, इट इज गोइंग टू बी द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। हमारे पास जब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के हम दो कैटेगरीज बना देते हैं। वन इज कॉल्ड एलिफैटिक एंड द अदर वन इज कॉल्ड एरोमैटिक। एक सिंपली बात है, एलिफैटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो एरोमैटिक नहीं है, बात खत्म। विच एवर कंपाउंड इज नॉट एरोमैटिक इज कॉल्ड एलिफैटिक। वो चाहे साइक्लिक हो, चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, चाहे वो कॉन्जुगेटेड हो, चाहे वो नॉन कॉन्जुगेटेड हो, एरोमैटिक नहीं है, एलिफैटिक है। पहली बात तो एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करते। एंटी एरोमेटिक इज अ कंसेप्ट विच इज यूज टू शो दैट दिस कंपाउंड डजेंट एग्जिस्ट ऑल्दो इट इज कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो बात करते हैं जरा एलिफैटिक कंपाउंड्स की। मेरा बच रहेगा, हेलो, हाँ जी, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट सोर्स है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स।
इस पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है इट गिव्स द सेपरेट फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां से हम पेट्रोलियम से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो सोर्स है वो है कोल। कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब यह है कि कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया जाता है। जब कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है देन इन दैट केस दिस कोल गिव्स अस अ लिक्विड व्हिच इज कॉल्ड कोल टार। हिंदी में उसको तार कोल बोल देते हैं, कुछ लोग डामर बोलते हैं, कुछ लोग एस्फाल्ट बोल देते हैं। ये सड़क बनाने के लिए जो काम होता है वो है ये कोल टार। बेटा मुझे रोस्ट चिकन की स्मेल पता नहीं है, हो सकती है मे बी। ओके तो होगा, अल्टीमेटली दोनों ही ऑर्गेनिक मटेरियल है, दोनों को बर्न करने पे सेम ही स्मेल सी आएगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज कोल टार। नाउ दिस कोल टार, इसका अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाए तो उसमें हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन gives us the different aromatic hydrocarbons. ये हम मान सकते हैं the preparation of alkanes from alkanes. And this is very obviously the biggest industrial method of preparation of alkanes. ठीक है, तो ये था preparation of alkanes from alkanes. बेंजीन, तो मैंने कब कहा ये एल्केन है? पेट्रोलियम, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो कोल इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोलियम इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, ये तो था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। जब हम एल्कीन से प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी। द सी डबल बॉन्ड सी से हमें इसे कन्वर्ट करना है सी सी एच एच। नाउ हियर we just have to hydrogenate it. So this reaction would be hydrogenation. अब देखो इस reaction को कई categories में डाला जा सकता है and we need to be very clear about that. ये सारी की सारी categories हैं। This reaction is an addition reaction. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, राइट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 हो गया। अ डिक्रीज इन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। फर्दर ये भी हमें पता है कि किसी में हाइड्रोजन अगर ऐड किया जाए उसे रिडक्शन कहते हैं। तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन एज वेल। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। अब यहां पे इस हाइड्रोजनेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन चीज इस्तेमाल होती है दैट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। नाउ दिस कैटलिस्ट इज अ 10th ग्रुप एलिमेंट, यानी कि इट इज नॉर्मली निकल, पैलेडियम,
प्लैटिनम, ओके। अब एक बात का ख्याल रखना, किसी भी सब्सटेंस की कैटालिटिक प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता चला जाता है। एक और बात, कैटलिस्ट कभी भी फाइन पाउडर्ड फॉर्म में यूज नहीं होते। पाउडर्ड फॉर्म की प्रॉब्लम यह होती है कि अगर हम पाउडर यूज कर लें तो पाउडर आपस में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो एक बल्क की तरह बिहेव करता है, उसका इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो नहीं पाता। इट इज समथिंग लाइक कि अगर आपने कभी मैगी बनाने की कोशिश की हो और आपने मसाला जो है वो उसको स्प्रे करने की जगह ऐसी बल्क में डाल दिया हो, तो एक ब्लॉक बन जाता है और सारा मैगी का टेस्ट खराब कर देता है। तो वो हो क्यों गया, वो फाइनली पाउडर्ड है, वो स्टिक कर गया, उसका सरफेस एरिया कम हो गया। अगर आपने कभी कस्टर्ड बनाया हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कस्टर्ड बनाने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, वो उठाते हैं दूध गर्म करते हैं, उसमें एक चम्मच कस्टर्ड डाल दिया, अब कस्टर्ड डालते हैं वो ब्लॉक्स बन जाते हैं, अब पूरा टाइम उसके अंदर वो ब्लॉक्स तोड़ते रहो, बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपने पाउडर्ड मिल्क से आपने मिल्क बनाना तो उसमें भी यही गड़बड़ होती है, अगर आपने ऐसे ही डाल दिया तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारी चीजें वही है, क्योंकि हमने वो जो चीज ले रखी है वो फाइनली पाउडर्ड है। तो कैटलिस्ट जब भी यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, नॉट पाउडर्ड फॉर्म। अब एक व्यक्ति था, उसका नाम था राणे। नाउ दैट राणे, मिस्टर राणे, ही टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से हम कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो व्हाट ही डिड वाज, ही टुक एन एल्यूमिनियम निकल अलॉय। इस एल्यूमिनियम निकल अलॉय के अंदर 50% एल्यूमिनियम था और 50% निकल था। अच्छी तरह मिक्स किया, अलॉय बनाया, ब्लॉक बना दिया। अब ब्लॉक बनाने के बाद उसने क्या किया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस अलॉय को बॉइल कर दिया। एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, निकल इज नॉट। तो ये जो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, दैट एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पूरा का पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो गया, निकल नहीं हुआ। तो ये जो अलॉय का फ्रेमवर्क था, उस फ्रेमवर्क में से एल्यूमिनियम तो निकल गया, एंड वी गॉट अ वेरी फाइन फ्रेम ऑफ निकल। अब यहां पे निकल का सरफेस ह्यूज है, और साथ ही साथ ये कोलैप्स करके एक दूसरे में फिट नहीं होंगे। तो दैट बिकेम अ वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, एंड दिस इफेक्टिव कैटलिस्ट इज कॉल्ड राणे निकल। राणे निकल, मोस्ट ऑफन कभी भी हमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यूज करने होते हैं, कहीं पे भी हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो दैट निकल कैटलिस्ट इज द राणे निकल। ठीक है, द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डन यूजिंग राणे निकल इज कॉल्ड Sabatiers, Sandern Sons reaction, which you may also term as Sabatiers Sandern Sons reduction. Is this clear? Ji. So that was the preparation of alkanes from alkenes. अच्छा, एक और बात, जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने अल्केन के प्रिपरेशन की बात की, उस अल्केन के प्रिपरेशन में हमने अल्कीन के रिएक्शन की बात की, यहां पर उस रिएक्शन की जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है मैं सारी बता रहा हूं। तो जब हम अल्कीन करेंगे तो मैं सीधा बोलूंगा We have done hydrogenation of alkenes. मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। तो कोई भी रिएक्शन एक बार होगा, और जब होगा thoroughly होगा, सारी चीजों के साथ होगा, दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए एक बार में ही ध्यान दे देना। Okay? So that was the preparation from alkene.
अब एल्काइन से जो प्रिपरेशन है वो भी सेम ही है. प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन के अंदर हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है. फर्क सिर्फ इतना है कि एक हाइड्रोजन की जगह अब दो हाइड्रोजन लग जाएंगे. अगेन द सेम कैटलिस्ट, मोस्ट ऑफन रान एंड निकल, एंड वी आर गोइंग टू गेट द अल्केन. सो अल्कीन एंड अल्काइन कैन बी कन्वर्टेड टू अल्केन बाय हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की. दिस इज द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, एंड दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. सो बी वेरी क्लियर विद दैट. ठीक है, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है. इस अल्काइल हैलाइड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्केन में. तो बिफोर वी गेट अलोंग विद दिस रिएक्शन, लेट अस क्लासिफाई दिस रिएक्शन इनटू कैटेगरी. पहली चीज, यहां पे हम हैलोजन हटा के हाइड्रोजन लगा रहे हैं. कोई डबल बॉन्ड ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है. So this is a substitution reaction. Double bond equivalent na to zyada ho raha hai na kam ho raha hai. So this is a substitution reaction. Theek hai? Dusri baat, yahan par hum ek more electronegative atom hata ke uski jagah less electronegative atom laga rahe hain. Removal of the more electronegative atom and addition of a less electronegative atom, both are known as reduction. So again, this is a reduction reaction. So seedhi si baat hai, alkyl halides can be converted to alkane by reduction. Is that okay? Ab sirf hume ye decide karna hai, reducing agent kaun sa use karenge? Ek reducing agent? घिसा पिटा H2Ni वर्क करता है, कर देता है रिड्यूस. फिर हम यहां पर मेटल हाइड्राइड्स भी यूज कर सकते हैं. जो फेमस मेटल हाइड्राइड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. मेटल हाइड्राइड्स में अटैकिंग स्पीशी H- है, H- ये अटैक करता है. एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पे कोई दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अटैक नहीं कर सकती. इसलिए एल्कीन का रिडक्शन मेटल हाइड्राइड से नहीं हो सकता. ठीक है, एल्कीन्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड यूजिंग मेटल हाइड्राइड्स. Is this clear? Koi confusion? Fine. Okay. तो यहां पर भी इसको यूज कर लोगे, बन जाएगा RH. अब हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा रिड्यूसिंग एजेंट है. हम क्या करते हैं, अब देखो मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तभी तो हम उनको मेटल्स बोलते हैं. वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो हम यहां पर
मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, मेटल। अब मेटल जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा तो इसका एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, इसको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। मेटल यूनिवेलेंट हो सकता है, डायवेलेंट हो सकता है, ट्राइवेलेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिवेलेंट मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम। मैं इसको एम लेके भी कर सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है एक एग्जांपल ले लिया सोडियम। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम इज अ रेडिकल, सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देता है, हैलोजन इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हमें मिल जाता है आर रेडिकल अलोंग विद एन ए एक्स। ठीक है, आर रेडिकल फर्दर सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। सोडियम है बड़ा बेशरम, पहले उससे हैलोजन छीन लिया और उसके बाद कार्बन के पास जाके कहता है तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या। एनीवे कार्बन कहता है भाई इलेक्ट्रॉन तो लेना है, ले लेता है और ये बन जाता है आर माइनस अलोंग विद एन ए प्लस। अब ये जो R माइनस है विद एन ए प्लस है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बन के रुकता नहीं है। अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कोई पॉजिटिव है, कहीं पर भी कोई पॉजिटिव है, तो ये R माइनस उस पर अटैक कर जाएगा। क्लियर, हम उसको अपनी तरफ से पॉजिटिव दे देते हैं। मतलब ये कि हम इस R माइनस को H पॉजिटिव दे देते हैं। तो अब अगर हम इसको H पॉजिटिव दे देंगे तो ये R माइनस इसके ऊपर बहुत शराफत से अटैक करेगा टू फॉर्म R H। अब सवाल सिर्फ इतना है कि H पॉजिटिव आएगा कहां से। हमें जो H पॉजिटिव डालना, उसके लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, ये H पॉजिटिव इतना मुश्किल से ना आए कि H पॉजिटिव आए ही ना, और दूसरा इतनी आसानी से ना आए कि मेटल कार्बन को छोड़ के एच पॉजिटिव को ही लेके चलता बने। तो हमें थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, तो मेटल के हिसाब से हमें एच पॉजिटिव का सोर्स लेना पड़ता है। अगर हमने मेटल ले रखा है सोडियम, तो मेटल एंड एच प्लस हमारे पास आएगा तो ये आर एच में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेटल हमने ले रखा है सोडियम, तो द सोर्स ऑफ एच पॉजिटिव इज सी टू एच फाइव ओ एच। बहुत खुशी से भी नहीं देगा, लेकिन अगर देने की जरूरत पड़ेगी कि तो रुकेगा भी नहीं। ओके, अगर हमने यहां पर सोर्स ले लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव है, तो हमें H प्लस का सोर्स थोड़ा सा और अच्छा लेना पड़ेगा। तो यहां पे वी टेक द सोर्स ऑफ H प्लस एज वाटर, तो मैग्नीशियम के साथ हम वाटर ले लेते हैं। अगर हमने ले रखा है रिड्यूसिंग एजेंट एज जिंक, प्लीज अंडरस्टैंड यहां पे जो H प्लस का सोर्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल है। तो अगर हमने यहां पे सोर्स ले रखा है जिंक, तो दिस इज विद एसिटिक एसिड, तो जिंक एसिटिक एसिड को यूज कर लीजिए। अगर हमने यहां पे ले लिया आयरन या हमने ले लिया टिन, तो आयरन एंड टिन आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, तो हमें H प्लस का सोर्स और अच्छा लेना पड़ता है, एंड दैट H प्लस सोर्स बिकम्स HCl। So all these work as reducing agents. Of course. थोड़ा सा इस रिड्यूसिंग एजेंट में लॉजिक भी है कि जैसे जैसे हम मेटल को ज्यादा रिएक्टिव करते चले जाते हैं, वहां पे H प्लस देने वाला रिलक्टेंट होता जाता है, मतलब कि लेस एसिडिक। अब अगर इनकी बात करोगे तो ये हम जानते ही हैं कि ये इथेनॉल से वाटर ज्यादा एसिडिक है, वाटर से एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, एसिटिक एसिड से HCl ज्यादा एसिडिक है।
सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव है जिंक, उससे कम रिएक्टिव है आयरन और टिन, उससे कम रिएक्टिव है। तो मेटल की रिएक्टिविटी जैसे कम होती चली जा रही है, जो एच प्लस है उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा सांत्वना हो सकती है कि हाँ ठीक है, एक अरेंजमेंट है हमारे पास, पर याद तो करना पड़ेगा। ये तो था नॉर्मल रिडक्शन। अब एक और दूसरा खेल करते हैं हम, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन के अंदर हम एच प्लस का सोर्स डालते ही नहीं है। मतलब हम एक ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हैं जो प्रोटॉन नहीं देता, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। और वो एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे लिए मोस्ट फेमस हो जाता है ईथर। जब हम ये वर्ड बोलते हैं ईथर, तो इसका भी मतलब आप समझ लीजिए। ईथर वर्ड का मोस्ट ऑफन मतलब होता है C2H5O, डाइइथाइल ईथर, जिसे ऐसे लिखा जा सकता है, जिसे ऐसे लिखा जा सकता है, जिसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इथॉक्सी अल्कोक्सी अल्केन, जिसे इथॉक्सी इथेन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक और तरह का ईथर होता है इसका नाम है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो जब भी हम ईथर वर्ड लिखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दिस इज द मीनिंग ऑफ ईथर, और कुछ केसेस में दिस इज द मीनिंग ऑफ ईथर, बट है दोनों ईथर ही, तो इस बात का ध्यान रखना। इज दैट क्लियर?